साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस कुमार ऑफिशियल पर। मैं आपका दोस्त डीएस कुमार, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड इम्यूनिटी एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं और एक न्यू वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक कैसे कॉपी करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन चेक कर पाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं बिल्कुल इजी स्टेप के अंदर कि आप अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी फैमिली के साथ में और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम पेज का लिंक कैसे कॉपी करें। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम पेज के लिंक को बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहे वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे सब कुछ करके देखते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम पेज का लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं आपको कहीं पर भी इंस्टाग्राम पेज का लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप लिंक को बना सकते हैं। तो अपने को सिंपली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पेज के लिंक को क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरी आईडी ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी आईडी है। यहाँ से मैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे अपने को एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स नेम, उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है यूज़र नेम। तो सिंपली गाइस, यूज़र नेम को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से इसको कॉपी कर लेता हूँ यूज़र नेम को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी कर लिया यहाँ से। अब सिंपली फ्रेंड्स, अपने को यहाँ से इंस्टाग्राम पेज को बैक कर लेना है, साथ ही अपने को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं बिल्कुल बैक आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना है instagram.com। तो फ्रेंड्स, टाइप कर लेता हूँ instagram.com। अब फ्रेंड्स, आपको स्लैश दे करके जो आपने यूज़र नेम कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़र नेम को पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको सर्च करना है। तो सर्च करने पर आपको ये फ्रेंड सीधा आपकी आईडी पे आपको ये लेके चला जाएगा, यानी कि ये लिंक जो बना है यही अपना लिंक है और इस लिंक की मदद से अपन सीधा इसको सर्च कर रहे हैं तो ये अपनी आईडी पे अपने को लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार वापस कर लेते हैं, इसको कॉपी कैसे करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से कॉपी करके अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने लिंक को। तो फ्रेंड, वापस एक बार टाइप करता हूँ instagram.com/, उसके बाद में यूज़र नेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वापस पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ये पेस्ट किया और ये नीचे जैसे देख डी एस कुमार ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ से इसको सीधा कॉपी कर लूँगा। फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत आ रही है इस कॉपी करने के लिए, एक बार वापस करके देख लेते हैं। तो ये स्टेप फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम
पेज का लिंक इस प्रकार से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे ही मैंने टाइप किया और नीचे मेरे को ऑप्शन मिल गया है कॉपी करने का, तो मैं सिंपली गाइस इसको कॉपी कर लेता हूँ और साथ ही व्हाट्सएप पर जा करके किसी मेरे एक मित्र को मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे लिंक कॉपी हो गया है अभी। अब फ्रेंड्स मैं इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। एक फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, माय बेस्ट फ्रेंड, तो वहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी किया हुआ लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स अभी वापस मैं रीचेक कर लेता हूँ कि ये लिंक वास्ते में मेरी आईडी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उस पर वापस क्लिक करने के बाद सीधा ये इंस्टाग्राम के अंदर ओपन होगा और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी आईडी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपना लिंक बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।